हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी को ईद मुबारक हो सभी इंडियंस को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये ईद का रमज़ान का पावन महीना है और इसमें आज मेरे दोस्त ने रिजवान खान ने मुझे बुलाया है और सबसे पहले सभी को ईद मुबारक कहना चाहते हैं। हाँ जी, हेलो दोस्तों, हाय, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। हम आप सभी भाइयों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि सबसे पहले हम लोग इंडियन हैं, हम सभी भाइयों को मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर किसी भी इंडिविजुअल पर्सन ने किसी भी भाई को हर्ट किया है तो ना ही उस इंडिविजुअल नाम, उस जाति और उस कास्ट को टारगेट ना करें, यह कि कोशिश करें कि उसको जल्दी से जल्दी भूल जाएं। और हम सब इंडियन हैं, इस बात को याद रखते हुए हम सबको आपस में मिलकर रहना चाहिए। तो साथियों, अभी रिजवान भाई ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले हम एक की वजह से पूरे धर्म जाति को गलत नहीं बोल सकते, हम सबसे पहले इंडियन हैं। और अगर हम हमारे मन में ये सोच रहेगी कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं तो ये गलत है, हम सबसे पहले इंडियन हैं। और साथियों, एक बार आप मिलकर सभी त्योहारों को एक साथ मिलकर मना के देखें कितना अच्छा लगता है। तो मॉर्निंग में मेरे साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था तो मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं उन सभी साथियों से, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी मुस्लिम, कोई भी हिंदू ख़राब नहीं होते और एक की वजह से आप किसी को टारगेट नहीं कर सकते। अच्छे इंसान हर जगह मिल जाते हैं और गंदे इंसान भी हर जगह मिल जाते हैं, और गंदे इंसानों का कोई धर्म नहीं होती, कोई जाति नहीं होती। और इसके बाद कहना चाहता हूँ, कभी आप एक दूसरे के फेस्टिवल्स मना के देखें। अभी रिजवान भाई की ईद है और ये ईद इनकी नहीं है, वो हम सभी की ईद है। और इसके बाद जब होली होती है तो हम सभी मिलके मनाते हैं, ईद होती है मिलके मनाते हैं। तो बस यही है कि मिलके रहो और सबसे पहले आप इंसान बनो, धर्म जातियों में ना बटें। क्योंकि अगर हम अपने आप को धर्म जातियों में देखेंगे तो हम इंसान नहीं हैं। हम सबसे पहले इंसान बने और इंसान का कोई धर्म नहीं होता, इंसान सबसे पहले अपने देश को देखता है। और रिजवान भाई आपसे कुछ कहेंगे? हाँ, ऑनेस्टली अगर हरबीर भाई ने जो कहा वो बिल्कुल सच है। आप किसी भी चीज़ को इवन आप प्रैक्टिकली देखोगे और जब वो फीलिंग आएगी, जब हम मिलके किसी काम को, किसी त्यौहार को सेलिब्रेशन करते हैं तो उसका एक अलग ही मज़ा आपको देखने को मिलता है। आओ सभी भाई मिलके इस जाति धर्म की दीवारों को तोड़ के एक हिंदुस्तान रचाएं, एक अच्छा सुंदर स्वस्थ भारत रचाएं। तो दोस्तों, ये मैसेज शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा, उम्मीद है। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब मैं रिजवान भाई से मिला नहीं था तो कहीं ना कहीं हर किसी के मन में कुछ ना कुछ एक दूसरे धर्म के प्रति कुछ ना कुछ गलत भावना होती है। क्योंकि हम लोगों के मन में यही चीज़ें डाली जाती हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, मुस्लिमों से कहा जाता है ये हिंदू है, हिंदुओं से कहा जाता है ये मुस्लिम है। लेकिन जब मैं इन लोगों से मिला, ये मुझसे मिले, तो हमें लगता है कि यार हम किसी धर्म जाति से नहीं है, हम इंडियन हैं, हम भाई हैं। तो बस ये कहना चाहता हूँ। और मॉर्निंग में जो मेरे साथ हुआ था, मैं उन लोगों को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि अब आप देख लीजिए, मेरे लिए सबसे पहले इंडिया है और ये भाई इंडिया को मानते हैं, हम सभी इंडिया को मानते हैं। और रही बात धर्म जाति की, तो धर्म जाति ये सब बाद की बातें हैं, हम सबसे पहले इंडियन हैं। और हर इंडियन का फेस्टिवल हर किसी इंडियन का है, चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, वो सभी का फेस्टिवल है। इसमें ये नहीं कि हिंदू ईद नहीं मना सकते, हिंदू कभी मुस्लिमों के साथ ईद मना के देखे कितनी खुशी मिलती है वो आप समझ जाएंगे। तो साथियों, यही मैसेज है, हैप्पी ईद वंस अगेन। हैप्पी ईद साथियों, थैंक यू।